नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। मारपीट के बाद घायल हुए युवक की मौत के बाद जेवर में परिजनों द्वारा चौराहे पर धरना प्रदर्शन के साथ साथ जाम लगाकर काफी हंगामा किया गया। जेवर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों हुई एक युवक के साथ मारपीट की गई थी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे जेवर के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे दिल्ली के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों के गुस्से के आगे पुलिस बेबस नजर आई। ग्रामीणों के हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने कई थानों की पुलिस को जेवर में तैनात करा दिया और हंगामा कर रहे ग्रामीणों को शांत कराया। जेवर के मेन चौराहे पर हंगामा कर रहे युवकों ने पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। हमारे इस केस में भी नवेना का हमारा भाई था दीपक कालान, इस केस में कोई भी FIR हमारी नहीं ली जा रही है, न ही कोई सुविधा दी जा रही है हमको पुलिस की साइड से। पुलिस जो है वन साइडेड इसमें अपना गेम खेल रही है। आरोपियों को अपनी गाड़ियां बकायदा बैठ के VIP सुविधा देते हुए उनको यहां से हमारे सामने से निकाल ले गई है और उनका चालान हम मांग रहे हैं। हमको उसको कॉपी दिखाओ, ना हमको कोई कॉपी दिखाई जा रही है। यहां पे जो पूरा पक्ष है यहां पे पूरा परेशान है। आप देख सकते हैं किस तरह से माताएं बहनें रो रही हैं, बिलख रही हैं, परेशान यहाँ पे। दीपक की मौत की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होकर जेवर पहुंच गए और जेवर खुर्जा रोड में चौराहे पर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों का गुस्सा जब इतने से भी शांत नहीं हुआ तो उन्होंने हंगामा करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर ग्रामीणों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लिया और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर ही धावा बोल दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी कई थानों की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे ग्रामीणों को किसी तरह शांत कराया। यहां पर एक हत्या कर दी गई है 28 साल के युवा की और रात में 6 दिन हो गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया है और वो आज उसकी डेथ हो चुकी है। वो दिल्ली रेफर थे, वो आने वाले हैं और पुलिस ने 6 दिन में कुछ भी नहीं किया है। और जो कैदी हैं आज उस पर जोर लगा है, तो कैदियों को AC गाड़ी में उसको ले गए हैं, VIP गाड़ी में उनसे हाथ और मिला रहे हैं पुलिस वाले। ना धारा दिखा रहे, कौन सी धारा है? कोई धारा नहीं दिखाई हमको, क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया, उल्टी हमारी वीडियोग्राफी करके हमको और चेतावनी दे रहे हैं।